नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ दोस्तों खुश होंगे, सुखी होंगे। और दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे ज़रूर पूछें मेरे वीडियो में, ताकि आपको कोई भी तकलीफ़ हो तो बहुत ही आसानी से हमारी ये जो वीडियोज़ है अनोन वर्ल्ड की, उसे बहुत ही आसानी से दूर कर देगी। आप हमेशा सुखी ही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको एक साधारण सा टोटका बताने जा रही हूँ, यह टोटका दोस्तों आपको मान सम्मान ऐश्वर्य सब कुछ दे देता है। आपका बिजनेस है उसमें भी आप ग्रो करने लग जाएंगे, आपकी प्रगति होने लग जाएगी, घर की जो कलह है वह भी दूर हो जाती है, माता लक्ष्मी का दोस्तों आपके ऊपर ज़बरदस्त आशीर्वाद बरसने लग जाता है। दोस्तों, दूध एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो 14 रत्नों में से एक है। माता लक्ष्मी दोस्तों जब भी प्रसन्न होती हैं तो वह भी दोस्तों, अगर आपको स्वप्न में आप देखना, आपको दूध और दही के दर्शन होने लग जाते हैं। दूध, दही, घी, इन चीज़ों के दर्शन मात्र होने से दोस्तों ये संकेत मिलने लग जाते हैं कि अब अपने घर माता लक्ष्मी आने वाली है। दूध को दोस्तों आप सामान्य चीज़ ना समझे, यदि ये स्वप्न में भी दिखाई देता है तो भी ये इतना पावरफुली इफ़ेक्ट करता है। तो यदि दोस्तों आप इसका साधारण सा कोई टोटका कर लेते हैं तो सोचिए आपको कितना अच्छा इसका फल मिल सकता है। आपको ये जो टोटका करना है दोस्तों, ये सिर्फ रविवार के दिन वीक में एक ही दिन करना है, लेकिन आप देखेंगे कि इस टोटके की शुरुआत करके आप देखें कि इस टोटके को आप रविवार करना चालू कर दें, आपके घर में लक्ष्मी, जिसे कहते छप्पर फाड़ कर आना, इस तरीके से लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है। शुरुआत थोड़ी धीमे होगी दोस्तों, लेकिन उसके बाद आप खुद देखेंगे कि लक्ष्मी किस तरीके से आपके घर में आना शुरू हो जाती है। और सिर्फ लक्ष्मी नहीं दोस्तों, मान सम्मान ऐश्वर्य सब कुछ बढ़ने लग जाता है। नौकरी में भी दोस्तों आपकी प्रगति होने लग जाती है, आपका बिजनेस भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ने लग जाता है, आप उसमें भी बहुत अच्छे से प्रगति हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको कोई भी ज़्यादा ना कोई मंत्र करना है, ना कोई तंत्र करना है, कोई भी ज़्यादा इसमें आपको क्रियाएं नहीं करनी है। आपको बिल्कुल स्वच्छ ग्लास लेना है और उसको दूध से भर लेना है। रविवार की रात, संडे नाइट, आपको दूध एक ग्लास लेकर के सोते समय अपने सिरहाने पर रख लेना है। ध्यान रहे दोस्तों, ग्लास इस तरीके से आप रखें कि वो सुरक्षित रखा रहे सुबह तक। और दोस्तों, पूरी रात आराम से सोने के बाद आप सुबह उठें, इस दूध को ले जा करके आप बबूल के वृक्ष पर चढ़ा दें, उसकी जड़ पर चढ़ा दें। बबूल का वृक्ष दोस्तों तंत्र विज्ञान में, तंत्र विद्या के अंदर बहुत ही पावरफुली काम करता है। यूँ तो दोस्तों दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई उपयोग ना हो, लेकिन हर चीज़ का उपयोग अपनी अलग अलग जगह पर कुछ ज़्यादा ही असर दिखा जाता है। तो बबूल के वृक्ष को दोस्तों आप असाधारण समझे इन सारी ही क्रियाओं को करने के लिए। इस पर दोस्तों एक दो और भी मैंने वीडियोज़ आगे भी अपलोड की है, अगर आप देखना चाहें तो उसमें जा सकते हैं। तो आपको ये दूध बबूल के वृक्ष पर चढ़ा देना है सुबह, मतलब वो होगी सोमवार की सुबह बस। और आपको ना कोई मंत्र करना है, ना कोई तंत्र करना है, चढ़ा करके आराम से अपने घर पर आ जाइए। दोस्तों, आप एक रविवार, तीन रविवार, पांच रविवार, क्यों कितने बार ऐसा होता है दोस्तों, कितने ही टोटके हैं, उपाय हैं, वशीकरण के जो मंत्र तंत्र है बताए जाते हैं, आप एक बार करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका रिजल्ट ना आता हो। कितनी बार वो रिजल्ट आपको दृश्य रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, कितनी बार उसके रिजल्ट को आप समझ नहीं पा रहे हैं, और कितनी बार दोस्तों ऐसा होता है कि जो आपके अंदर का जो कंसंट्रेशन पावर है, आपके अंदर का जो एक त्राटक, मैंने एक वीडियो डाली है छाया त्राटक पर कि त्राटक सिद्ध करें आप, ये जितने भी वशीकरण हैं और भी जितने भी मंत्र तंत्र हैं, ये फटाक से सिद्ध होने लग जाएंगे, क्योंकि ये दोस्तों ऐसी शक्ति है जिसे डेवलप करना बहुत ज़रूरी है।
तो ये हो सकता है कि जो आपको उपाय बताए जाते हैं वो उतने जल्दी ना हो जितना जो आपके एक्सपेक्टेशन में है, थोड़ा देर से होगा। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, होगा अवश्य। आप विश्वास रखें और विश्वास के साथ आप इन क्रियाओं को करते रहें। और इन्हें करने में यदि आपको कोई तकलीफ़ होती है, कोई ऐसी बात है जो आपकी समझ में नहीं आती है, कितनी बातें ऐसी होती ना दोस्तों, समझ में नहीं आती हैं और फिर आप कुछ गलत कर बैठे, तो बेहतर है गलत ना करें, पूछ लें, उसके बाद ही आप कोई भी उपाय करें यदि समझ में नहीं आता है तो। करते रहें दोस्तों, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।